Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot. Scrap. Skitty cat cat. Boom. 2 + 2 = 4. -1, that's 3. Quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. इम्पोर्टेंट होता है गाइस प्राइमर. ये स्टूडियो बेस का प्राइमर है. इसकी जो प्राइस है ये 500 rupees है. प्राइमर जो है वो क्रीम बेस में और जेल बेस में आता है. ये जो है जेल बेस प्राइमर है. ये काफ़ी अच्छा है. देखिए आप, काफ़ी स्मूथ है ये प्राइमर. प्राइमर जो हम यूज़ करते हैं वो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और अपना मेकअप स्मूथ हो इसलिए हम यूज़ करते हैं. गाइस अगर आपको प्राइमर यूज़ नहीं करना है तो आप मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो. सेकेंड है कंसीलर. ये फिटमी का एज रिवाइंड कंसीलर है. गाइस फिटमी में सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. इसको हम फाउंडेशन की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं. कंसीलर जो है ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस. देखो ये ख़त्म भी होने वाला है. इससे हम हमारे आंखों के नीचे के डार्क सर्कल और जो पिंपल्स के काले दाग हैं इसको हम आसानी से छुपा सकते हैं. ये जो है फाउंडेशन और कंसीलर 2-in-1 का ही काम करता है. अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है तो आप कंसीलर से भी काम चला सकते हैं. काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये. इसकी जो मेबिन का ये इसकी जो खास बात है, इसका यूनिक एप्लीकेटर ऊपर स्पॉन्ज दिया हुआ है और इसको अप्लाई करना काफ़ी इजी है. अपने आंखों के नीचे इसको काफ़ी इजी हम अप्लाई कर सकते हैं. इसको ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. इस तरीके से इसको घुमाना होता है, यहाँ पे क्रीम बाहर आती है और इसको हमें इस तरीके से अप्लाई करना होता है. अप्लाई करना बहुत ही इजी है, इसलिए ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है. आई लव इट. थर्ड है हमारा फिटमी फाउंडेशन. ये मैट फाउंडेशन है और इसका जो नंबर है 230 है. इसकी जो प्राइस है ये 500 है. फिटमी में गाइस डार्क, मीडियम, लाइट सारे शेड है. हमें अपने स्किन टोन के हिसाब से देना पड़ता है. इसमें कोई पंप नहीं है तो इसे हमें इस तरीके से ही बॉटल से निकालना पड़ता है. ये कांच की बॉटल है और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल है. ड्राई स्किन के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इस तरीके से प्रोडक्ट हमें बाहर आता है और हमें इसको ब्रश से अप्लाई करना होता है या ब्यूटी ब्लेंडर से भी अप्लाई कर सकते हो. ये भी काफ़ी स्मूथ है और अपना जो मेकअप जो है वो अप टू 24 आवर्स स्टे रहता है. तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. ज़्यादा पैची लुक भी नहीं होता है और नॉर्मल मेकअप इसमें दिखाई देता है. नेक्स्ट है हमारा लैकमे का कॉम्पैक्ट पाउडर. गाइस हम कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर हम दोनों भी यूज़ कर सकते हैं. मेरा है ये लैकमे का कॉम्पैक्ट पाउडर. ये ख़त्म ही होने वाला है. इसकी जो प्राइस है ये 125 में. काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. ये इससे हमारा जो फाउंडेशन है वो एकदम सेट होता है और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है. नेक्स्ट है हमारा हाइपर कर्ल मस्कारा. ये भी फिटमी का ही है. ज़्यादातर में फिटमी के ही ज़्यादातर मेरे पास प्रोडक्ट है. इसका जो ब्रश है ये भी काफ़ी अच्छा है. काफ़ी डार्क शेड है इसका और इससे लगाने के बाद हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है. ये काफ़ी कर्ली, हमारा जो आंखें जो है हमारी काफ़ी कर्ली दिखती है. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. ये लैशेस हमारे काफ़ी लॉन्ग दिखते हैं इससे. इसका नाम ही है हाइपर कलर मस्कारा. इसकी जो प्राइस है ये 330 प्राइस है. उसके बाद नेक्स्ट है आईलाइनर. मेरे पास गाइस दो आईलाइनर है. एक डायनामिक का ब्लैक लिक्विड आईलाइनर. इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी अच्छा है. इसको हम पेन की तरह मैं इसको अपने आंखों पर अप्लाई करती हूँ. अगर आप बिगनर्स हो तो जिसको आईलाइनर ड्रॉ करना नहीं आता है वो इसी से आईलाइनर ड्रॉ करना सीख सकते हो. क्योंकि हम पेन बचपन से यूज़ करते हैं तो इसको हमें लाइन ड्रॉ करना काफ़ी ईजी आता है और इससे मैं डेली यूज़ भी करती हूँ. सेकेंड है मेरा ये स्टूडियो बेस का ही नियॉन ग्रीन कलर का आईलाइनर. ये लिक्विड आईलाइनर है और इसका जो ब्रश से इसको अप्लाई करना है तो इसमें थोड़ा सा हार्ड जाता है, लेकिन इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है. इसकी जो प्राइस है ये 200 के प्राइस में है ये और ग्रीन कलर का शिमरी है ये. इसका भी लुक काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट है गाइस काजल. काजल है ये ADS का काजल है. ओ टूट गया. ADS का काजल है और इसकी जो रुपीज़ है ये 50 rupees में है. ये काफ़ी डार्क शेड है इसका. ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है.
और गाइस मैं इन सब में मेरे सारे जो शेड्स है वो ब्रांडेड है, लेकिन मैं आईब्रो पेंसिल जो है मैं यही यूज़ करती हूँ। ये हमें जो है ADS की आईब्रो पेंसिल है, ये मार्केट में 50 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल है। वैसे तो मैं ज़्यादातर आईब्रो पेंसिल नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो अपना जो फाउंडेशन है वो आईब्रो में चला जाता है, तो इसके लिए आईब्रो पेंसिल हमें यूज़ करना ही पड़ता है। उसके बाद है ग्लैम 20N1 का आई शेडो। गाइज मैंने इसका अनपैकिंग वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, अगर आपको वो भी चेक करना है तो मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप बिल्कुल चेक करिएगा। इसमें शिमरी और मैट कलर है और काफ़ी अच्छे शेड है गाइज। इसमें 100 कलर है ये, एंड ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इसकी जो प्राइस है वो 350 प्राइस है, और इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा पिगमेंट है इसका, शिमरी मैट इन सब का काफ़ी अच्छा पिगमेंट है, इसलिए मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है। इसमें एक ब्रश भी है। नेक्स्ट है हमारा मेबलिन का सुपर स्टे मैट इंक। ये पिंक कलर की लिपस्टिक है। इसका जो ब्रश है आपको दिखा रही हूँ मैं, इसका ब्रश का शेप देख रहे हो गाइस आप, ये जो है हमारे लिप्स के कोने में जो है लिपस्टिक सही से अप्लाई नहीं होती है, इसलिए इस तरीके से ब्रश है ताकि लिपस्टिक जो है हमारे लिप्स के कॉर्नर तक अच्छे से हम अप्लाई कर सके। और ये भी जो लिपस्टिक है वो 12 आवर्स तक हमारे लिप्स पे रहती है, और कलर भी देख रहे हो गाइस आप बहुत अच्छा कलर है, और मैट लुक आता है इसका, और ये काफ़ी देर तक हमारे लिप्स पे स्टे करती है, इसलिए भी ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस है 650 प्राइस है इसकी, प्राइस के हिसाब से थोड़ी महंगी है, लेकिन प्रोडक्ट गाइस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है स्वीट ब्यूटी का ब्लश एंड हाइलाइटर। ये इसमें गाइस ब्लश भी है एंड हाइलाइटर है, तो टू इन वन का काम करता है। इसकी जो प्राइस है 399 में हमें ये दोनों भी मिल जाते हैं, ब्लश एंड हाइलाइटर, इसलिए हमें हाइलाइटर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही प्रोडक्ट में हम ये दोनों चीज़ भी हमें मिल रही है, इसलिए ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आप देख सकते हो लाइट एंड डार्क शेड है, इसमें लाइट पिंक एंड बाकी के डार्क शेड है। इसका पिगमेंट भी गाइस बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पिगमेंट है इसका, लगाने के बाद इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। एंड इसमें 2 हाइलाइटर दिए हुए हैं, एक लाइट में और एक डार्क में, इसका भी पिगमेंट काफ़ी अच्छा है, तो ये प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। इसके साथ साथ मेरे पास कलर बार का एक और भी हाइलाइटर है, वो जो हाइलाइटर था वो पाउडर बेस, सॉरी ये हाइलाइटर मेरा पाउडर बेस में है, पूरा ये पाउडर बेस में हाइलाइटर है, इसको अप्लाई करना काफ़ी इजी है। इसको जो है मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, इस तरीके से इसका यूज़ करना है, एंड इस तरीके से पूरा जो लुक है पूरा शाइनी लुक आता है इस हाइलाइटर से, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो प्राइस है ये 550 प्राइस है, एंड इसको हम अपने नेक पे या अपने हैंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे पूरा अपना शाइनी लुक आता है, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए ये मेरी किट में ये प्रोडक्ट भी मैंने रखा हुआ है। नेक्स्ट है स्टूडियो वेस का नियॉन का कॉन्टोर। इसका जो नेम है NC02। इसकी जो प्राइस है 550 प्राइस में, ये स्टिक बेस में कॉन्टोर है, इस पे हम इसी तरीके से अप्लाई करना होता है फोरहेड पे एंड चिन पे, और इसको हम ब्रश से बाद में ब्लेंड कर सकते हैं, तो इसका भी अप्लाई करना काफ़ी इजी है गाइस। कॉन्टोर हमारे किट में होना ज़रूरी नहीं है हर किसी को, जिसको अगर लेना हो वही लो, या फिर हर किसी को हमारी किट में ज़रूरी है, इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं है, मुझे ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट अपने किट में रखा हुआ है। अगर आपको गाइस ज़रूरत नहीं है तो आप फालतू में खर्चा मत करिए, आप बिना कॉन्टोर के भी अपना किट बना सकते हो। ये डार्क शेड है गाइस, कॉन्टोर जो है अपने फेस के हिसाब से 1 या 2 शेड डार्क ही लेना होता है, तो मेरा तो ये किट बन चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगा, तो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।